रोके ही को नहीं। एक लाख पर 1 लाख पार की तो कहूँ कौन 30,000 प्लस वोट आऊँ जितना वो आज दुनिया जोर मार लियो कुलदीप जी ने कोई रोक कौन सके भाई इतने जिला में पैसे कर रहा कुलदीप जीतेगा अच्छी बात है। कुलदीप जीतता 1-5 बात दूँ आ जा बात मेरे मर्जी मैं लाख जिताऊँ और जीत की मतलब के काम हूँ कै वोट जिता बिजबे ने जेपी ने 500 ना ज्यादा बोल है मजा तो जितिया सर हाजी भाई कुलदीप के कहे वोट दे कुलदीप के बीजेपी भरोसा ना करियो हम तो कुलदीप के गिल्ला है बीजेपी ने वोट कौन दे। अच्छा अंतरात्मा की बात सुन ले हो तो कल आप सुनोगे अंतरात्मा की बात उसके कड़े आत्मा। अच्छा आत्मा कड़े उसके कदे कांग्रेस में कदे इनने कदे बीजेपी में ईडी का डंडा फंस रहे जब फंस गए इनने लोगों टिकट है लियान लागियो पर यहाँ बांटे करता लोगों कूड़ा पकड़ाई तो ये बस सच्ची कह दी पार्टी में इज्जत हो गया करती पूरी 5-7 टिकट तो ले लिया करता लोगों में करा जाए वो मैंने टिकट दे दियो मेरे छोरन दे दियो फलाना दे दियो क्यों दे दिया आप बांटे करता मैं आप आ दादा। अच्छा अच्छा देख ले आप भिखारी बन रहे हैं अरे रोनता फिरे निचोदर ही ने वंगी कराओगो अल्ले न कराओगो ना तो अगले मतलब 1.5 साल में इलेक्शन होना ना पत्तो ही कट जाओ जिंदगी में कौन जीतता है और बता या क्लियर है मत्थे के दी है ऋषि के कोनी मारा तुम पूरा रंग है मत्थे के दी 26 साल होगी बनवास कटन लाग रहे हो ताश खेलन लाग रहे हैं मत्थे के दी है ऋषि के कोनी मारा तुम पूरा रंग है मत्थे के दी 26 साल होगी बनवास कटन लाग रहे हो ताश खेलन लाग रहे हैं उंडियो भाई साहब। अच्छा रोड तो ठीक कर दिए होंगे ना रोड पर तो टपाई गुण वो कदे कदे आ वोट पड़े चले। अच्छा नहीं नहीं आ राम राम भाई मैं तारा भाई सतेंद्र सिसाई फिलहाल की हम बात करें तो कालेराम माने जो गांव है वहां पर मौजूद हाँ आदमपुर हल्का है जो विधानसभा क्षेत्र है बड़े गांव में कालेराम की गांव की गिनती हुआ है और आरजीत का जो सिस्टम हुआ है बड़े गांव में स्टार्ट हुआ है बाकी छोटे छोटे गांव हैं कम वोट हैं लेकिन इस गांव में वोट भी बहुत ज़्यादा है और पार्टियाँ दोनों ही पार्टियाँ पूरा जो अपना ध्यान है कालेराम पर लगा रही हैं चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे फिर इंडियन नेशनल लोकदल हो सभी पार्टियाँ जोर लगा रही हैं भाई इस गांव तक ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेके अपने कैंडिडेट ने जिता दें और गांव के लोगों के कुछ कहना है कि कुछ लोग सोचे हैं कि कुछ इनके विचार हैं बातचीत करवाएंगे आपकी और क्लियरिटी तो होगी कोई कट नहीं होगा जो बोलेंगे वही बात सामने होगी। आ जाओ भाई राम राम जी वो ठीक हो ठीक बढ़िया भाई खेती बाड़ी हाँ खेती बाड़ी बढ़िया बढ़िया हाँ अच्छा अच्छा के कुछ माहौल चल रहा है और भैया तो है मेरे ने ठीक से गए खेती बाड़ी भाई पानी भरे पड़े बुझाई नहीं मुश्किल कई जगह तो अरे तो बुरा है हमारे तो। अच्छा मतलब पानी तो ट्यूब के खराब हो लिया खराब हो गया सारा। अच्छा प्रे मोची के कण लग रहे कुलदीप राज झूठ बोल रहे हैं 4 महीने तक सिलवन दे दिया आज आएगा सारा किसान फिर ना गांव में। अच्छा क्या फिर ना रहे झूठा झूठा बेटा दे चल ले मैं तो मैं 2-3 बार ठहर भी लेनु कह के कि मोचा तरह खत्म भेज देंगे उठ लो मैं उठे मंडी आदम ब्रो भाई इलेक्शन है पंचायत हो यो भी आयो तो हर आदमी का रंग हो जाए तो भी लड़ाई झगड़ो को नहीं अपन सरकार के तो कई जन खाते फिर नया आज फिर उल्टा बैठ जाए वो बात सोचो करके मैं उठिए तब आता का दोबारा तो भी बैठ गए फिर बैठ जाओ नहीं तो मौत नहीं तो 20 को बाकी बढ़े 21 को बढ़े और 22 को बढ़े खराब हो रही है यानी 2 साल पहले है कौन यार इबकल पर दिक्कत आएगी बाकी बढ़े 21 को कौन है 20 को झूठ बोला है 49 करोड़ बता मंजूर करे 49 करोड़ की लाख तो कई गम्मा कई मतलब तहसील ला कर रखे इतना तहसील है आजमपुर बारसमत खेड़ी चौपटो तीन भी लता मेरे तो जान और तो तरह मिले रहा है ये अगर वो रहे हो ना दी दिया सारा मिल गया सर हाँ वो हल्को कुछ लोग क्यों है कि कुलदीप पहले विपक्ष में हो ये भी उन बाज ली होती भी लड़ा फिर अभी मुकाटावाड़ी करे कि कत्ता काट लिया कितना दे दिया ने भाई राजी कर लिया समझा राजी जगह ये बोर्ड का तो बैठे फिर सारी पार्टियाँ फिरे कोई की रंग में फिरे कोई की रंग में फिरे अब रंग में अगला है फिर तो बात करा था आदमपुर की आदमपुर में के कुछ लगा विकास होना चाहिए था तो नहीं होया की को नहीं ना ही होया की को नहीं क्यों को नहीं होया कि आगे 24 में वोट ले दो कौन सा बड़ा है बड़ा कौन सा है क्यों बीजेपी में नाराज लोग वो 15 दे दिए 5 पीछा को नहीं देने और फसल खराब पड़ी है ना पूछे ना डीएपी मिलना कितने टाइम पर ना खाद मिलना हालात तो देखो नहीं क्या मंडी आजमपुर को खाद की भी दिक्कत है इबागी पहले दिक्कत आ रही है डीएपी मिलने को ला रही लेन में लागो 4 कट्टा मिली वो आज मिली सब भूखो से शाम से रोड आवे बात हो खाली इलाज के। अच्छा
कोई राजकोट जमदार के जमदार फिर चुनाव में कल फिर मूड देख के तुम लाके खेल करो खेल करोगे मूड घणा ही मेल गए खेल करने वाला खेल भी करे पीजा कमाओ सारे मेल है बिक पीजा फोटी से रही है दुनिया बिकती है और बदमाश का जी है जो जब तक खुलाए बैठे भाई बदमाश का जी समझा और ना की रंदे पंती मैं जब तक को भाई खाजी है पीजा तो ठीक ठाक हो कोई बात नहीं ठीक ठाक हो गए चलो कोई बात नहीं राम राम तो ठीक से ठीक है भाई ठीक खेती बड़ी के तो तुमने बता दी क्या हालत मैं तो देख करूं कौन दुकानदार मानस हूं भाई हां बस और ये बड़े बड़े जमींदार बैठे एक वो भाई बैठे एक वो परने बैठे भाई उन्होंने बात करो भाई उन्होंने हकीकत का बेरा है मैं वोट तो आप ही दोगे वोट बड़े ही उस दिन वोट दिया होंगे किसी ने ये ले हमारी सलाह होगी उसने बस हम कोई किसी पार्टी हिसाब हो या और किसी हिसाब हो हम संपत्ति कौन लेवा अच्छा अच्छा यू तो देखा पेजकुर गांव अपना कलमण है इसमें काम होने चाहिए थे ये काम में कमी थी पूरे होने चाहिए थे ना हुए काम तो भाई मेरा आपका खेत है उसमें नाली इसी बन रही है जो खेत में आज तक 15 साल हो गए पानी घूंट कौन बन लग रही है पक्की नाली बन रही है पक्की नाली बना के अगला ठेकेदार कंप्लीट करवा के ना सारे साइन करवा के ले गया खेत में पानी कौन बढ़ावा नेरी रेती लगा गया मुसलत है उसमें लगा गया कौन नेरी पानी है वो गला रह जाए पानी घूंट बढ़े कौन सारा अगर ओल ये कोई आगे कोई कहने कौन का से कोई बनाने की स्कीम कौन करे दोबारा क्या करा भाई राम राम भाई साहब राम राम भाई साहब ठीक हो क्या कुछ चुनावी माहौल आपका काम नजर आ रहा है क्या कुछ काम में किस तरह जाओगा भाई मैं तो बाहर आ रहा हूँ तो काम वाला तो पूछो अच्छा बाहर तक ताज देखने लागे चलो यह बात भी ठीक है बात करेंगे आज भाई घुमा राम राम तबू ठीक सो राजी खुशी बीमार कौन अच्छा बीमार तो होंगे को नहीं आदमपुर में यो के कर रहा है मेरा थोड़ा सा तू कह दे समझ के बोले अच्छा मैं चलो भाई तो नहीं बोलना चाहता भाई मैं रेणुका जी बोल यार अच्छा अच्छा रेणुका फूफो मैं अच्छा अच्छा ये बात होगी ये तो है किसान भी मोहते इधर बैठ गए और कुलदीप जी कहने लगे 350 करोड़ दे दिए मन तो आदमपुर में इतना विकास कर दिया रामराज्य ले दिया एक पीसो कौन दियो भाई साहब अच्छा कोई रोड तो ठीक कर दिए होंगे ना रोड पर तो टपाई गुण वो कदे कदे आ वोट पड़े चले अच्छा नहीं नहीं आ ठीक है तब तो बातचीत करिए और भी करावांगे भाई ये बात हो है जब गांव का माहौल हो ना ताश खेलते हो भाई कुछ तो जान तस्सा में होया करे लेकिन तस्सा अगले गांव की समस्या में भी होया करे सारी चीज बता दिया करे राम राम भाई साहब राम राम भाई ठीक ठाक हो बढ़िया भाई जमा किसा काम का माहौल रहा किसकी तरफ जाने लग रहे हो भाई कुलदीप जीता हो कोई रोका ही को नहीं एक लाख पार की तो कहूँ कौन 30,000 प्लस वोटाउन जीतता है वो आज दुनिया जोर मार लियो कुलदीप जी ना इन कोई रोक कौन सके भाई इतने जिले में पैसे कर ले कुलदीप जीतेगा अच्छी बात है कुलदीप जीतता है 1-5 बात दूँ आ जा बात मेरा मर्जी मैं लाख जिताऊँ और जीत की मतलब के काम हूँ कै वोटाऊँ जिता बिजबे ने जेपी ने 500 ना ज्यादा बोल है मजा तो दिया सर हाजी भाई कुलदीप के वोट दे कुलदीप के बीजेपी भरोसा ना करियो हम तो कुलदीप के गिल्ला है बीजेपी ने वोट कौन दे अच्छा अंतरात्मा की आवाज सुन ले हो तो कल आप सुनोगे अंतरात्मा की आवाज उसके कड़े आत्मा अच्छा आत्मा कड़े उसके कदे कांग्रेस में कदे इनने कदे बीजेपी में ईडी का डंडा फस रहा जब फस गए इनने ई मंडल ये बात भी भाई शमी है आदमपुर के अंदर कुलदीप बिश्नोई हमेशा तय मुख्यमंत्री बनने खातर वोट मांगा करता और अब कल सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया है कि भाजपा में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है बनेगा तो विधायक बनेगा चाहे मंत्री बनेगा यह बात तो सच्ची है यह बात तो सच्ची है अच्छा कुलदीप काम कराओगो अल्ले न कराओगो न तो अगले मतलब 1.5 साल में इलेक्शन होना है पत्तो ही कट जाओ जिंदगी में कौन जीतता है और बता या क्लियर है मत्थे के दी है ऋषि के कोनी मारा तुम पूरा रंग है मत्थे के दी 26 साल होगी वनवास कटन लाग रहे हो ताश खेलने लाग रहे हो तो अब बता कुलदीप है ने लोगों टिकट है लियान लागियो पर या बंटे करता अच्छा लोगों कूड़ा पकड़ाई तो ये बस सच्ची कह दी पार्टी में इज्जत होया करती पूरी 5-7 टिकट तो ले लिया करता लोगों में करा जाए वो मैंने टिकट दे दियो अच्छा मेरे छोरन दे दियो फलाना दे दियो क्यों दे दिया आप बंटे करता मैं आप आ दादा अच्छा अच्छा देख ले आप भिखारी बन रहे हैं
अरे रोनता फिरे निचोदर ही ने मंगी पब्लिक पैर बाज मतलब जो दुकान आदमपुर की 107 नंबर उसमें बोले आदमपुर के लोग बुलाए उन तो पूछ के बीजेपी ज्वाइन करी है बकवास करे एक नहीं नहीं बुझे कोई बुलावा नहीं है आप लोगों ने कोई बुलावा नहीं है वहां तो लिख के दे दे बताओ कोई साबित करो किसने बुलाया हल्का करने आदमी ने एक ने भी बुलाया अच्छा खुद ही फैसला ले लिया रिप आदमपुर उपचुनाव सौंप दिया तारा ऊपर ने ढांडा जी आ बाज गयो अच्छा पब्लिक रोनती हंडो बैठ पब्लिक के कराई तनु कवा तो कहने लग रहे बीजेपी वाले 1 लाख वोटा तो भवन जिता के ले जाएंगे चाहे कोई कुछ कर लो जिता के तो चाहे 10 लाख ले जाओ फिर वहां भवे बोई बोल लगी हाँ बोई है बो को नहीं हो क्यों और छोरा कौन जाम रहा बांगे जाम रहे तू को नहीं तंदे दिया ठीक रहे तू बोई कम है तो बस तो फिलहाल भाई तो स्पष्ट बात बता दी है और भी बातचीत कराऊंगा आपकी भाई बड़े बड़े बुजुर्ग भी हैं सारा डाल के इनको अगर तसब है हर पार्टी का आदमी पाया जाएगा अगर अपन पार्टी का मतलब नहीं बात लेनी है के कुछ चल रहा है राम राम जी राम राम जी ठीक हो ठीक है क्या चल रहा है कल हमने गांव का माहौल है गांव का माहौल ताश खेल लग रही है सारे ताश तो खेलो तीन ने भी खेलना है के गेम दो फिर आगे ही आगे देखा ये फिलहाल तो ताश ही खेल लग रही है अच्छा अच्छा जी और फसल बाड़ी तो बताऊंगा नुकसान में काफी चल रही है और अच्छा फसल ठीक है वो है फसल ही जनी बर्बाद हो जाती जमींदार कदम मरी लिया मरियो जमींदार हो हाँ जमींदार हो कदम ना मरे ना मरियो हम कितने वोट अपने कल हमने जब हम बात करें वोट आप आपको नहीं गिने करा हाँ आप बता 6000 वोट कितना है मैं बता दिया करो 6000 वोट अरे भाई 6000 वोट और 6000 वोट कम नहीं रहते बहुत ज्यादा हो जाए हैं राम राम भाई साहब राम राम भाई और ठीक हो बढ़िया के कुछ करोगे कल के कुछ कहानी बदलोगे पुरानी रखोगे कि नई फिल्म बनाओगे पुरानी पुरानी फिल्म रिलीज दोबारा करोगे भी के दोबारा तो फिल्म रिलीज करो हो दोबारा तो वो ही कैंडिडेट लेने लग रहे हो वही के खासियत है इसमें खासियत तो बता दो एक आधी खासियत दूसरा मन कोई कोई खास कौन दिखे अच्छा ना वे कोई काम आने वाला आदमी कैंडिडेट कोई फायदा तो करी तो करते ही नहीं करी तो दूसरा तो कितने जोड़ी छाले नहीं था अच्छा किस जामे मन में बस रहे हो नाम मेरे जान में मन में कौन बस रहे हो अभी और कोई एन मोर्चे पकड़ना रो भी तो कौन कोई हाँ बता मन तो ये भी बताओ मैं मोटे मोटे कैंडिडेट आ रहे हैं उम्मीदवार आ रहे हैं जयप्रकाश है कूड़ा राम जी हैं सतेंद्र सिंह हैं जयप्रकाश तो 2009 में तो जय बोल दी अभी और बोल दी बाकी ही भैया कोई कहानी है कोनी थोड़ी बहुत टक्कर मारे तो जेपी आई कांग्रेस बाकी कोई कहानी कौन है फिलहाल बातचीत कराई और भी करेंगे भाई बतेरी हो गई है बहुत लंबी चल गई भाई आपका क्या मानना कमेंट करते रहिए शेयर करते रहिए और इसे गल अपने वीडियो नंबर राम दू हूँ जय हिंद जय भारत।